हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 3 सितंबर 2019। 3 सितंबर 2019 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊँगा तथा वीडियो की लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूँगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज के इस क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पीके स्मार्ट स्टडी को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड कोकोनट डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डे? इसका सही आंसर है 2 सितंबर। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड कोकोनट डे इस बार कोची उड़ीसा में मनाया गया। इसका थीम है कोकोनट फॉर फैमिली वेलनेस। इम्पॉर्टेंट डे इन सितंबर, चलिए आपको रिवीजन कराते हैं। अभी तक सितंबर में 2 दिवस मनाया गया, 1 से 7 सितंबर 2019 नेशनल न्यूट्रिशन वीक, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, तथा कल 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2019 में जनसंख्या और चिकित्सा अनुवांशिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए जेसी सत्येंद्रियन बोस फेलोशिप किसने प्राप्त की? इसका आप इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं सिर्फ हिंदी वाला पढ़ रहा हूँ। इसका सही आंसर है के थंगराजन। जी हाँ, के थंगराजन ने 2019 में जनसंख्या और चिकित्सा अनुवांशिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए जेसी सत्येंद्रियन बोस फेलोशिप प्राप्त की। चलिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये के थंगराजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के निर्माण के लिए किस कंपनी ने आईटी पार्टनर के साथ काम किया? इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, गूगल। गूगल के साथ मिलकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के निर्माण के लिए आईटी पार्टनर ने काम किया। आपको गूगल के बारे में बताते हैं। गूगल के संस्थापक लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन हैं। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। गूगल सन 4 सितंबर 1998 में स्थापित हुआ। गूगल के फाउंडर यही हो गए, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। जीमेल लॉन्च 1 अप्रैल 2004। गूगल के सीईओ हैं इस टाइम के सुंदर पिचाई जी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ISSF विश्व कप 2019 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? इसका सही आंसर है यशस्विनी सिंह देसवाल। जी हाँ, यशस्विनी सिंह देसवाल ने ISSF विश्व कप 2019 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही हैं यशस्विनी सिंह देसवाल। ये ISSF 2019 वर्ल्ड कप रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हो रहा है। चलिए आपको ISSF के बारे में बताते हैं। ISSF का फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ISSF का हेडक्वार्टर जर्मनी में है। ये सन 1907 में स्थापित हुआ था। इसके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर लिसिन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं, अब आपको ब्राज़ील के बारे में बताते हैं क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है, तो आपको ब्राज़ील के बारे में बताते हैं। ब्राज़ील का कैपिटल है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं जेयर बोल्सोनारो। ब्राज़ील का करेंसी है रियाल। ब्राज़ील का नेशनल डे 7 सितंबर को मनाया जाता है। ब्राज़ील के बिगेस्ट लेक की बात करें, लगाओ डोस पाटोस यहाँ का बिगेस्ट लेक है। हाईएस्ट माउंटेन की बात करें, पिको डा नेब्लिना यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन है। ये आपको मैप में ब्राज़ील दिख रहा है। चलिए आपको ब्राज़ील के नेशनल सिंबल के बारे में बताते हैं।
नेशनल गेम कैपोइरिया, नेशनल एनिमल मकाओ, नेशनल फ्लावर कॉर्सेग ऑर्किड। ब्राज़ील के पार्लियामेंट नेम की बात करें तो यहाँ नेशनल कांग्रेस। ब्राज़ील के बारे में एक और फैक्ट बताते हैं आपको, ये कॉफ़ी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ब्राज़ील के बारे में और एक बात बताएं, फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसने सेना के उप प्रमुख के रूप में प्रभार लिया? हु टुक चार्ज एज वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। जी हाँ, मनोज मुकुंद नरवाने को सेना के उप प्रमुख के रूप में प्रभार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने राज सचिवालय के भीतर जींस और टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्लेस्ड ए बैन ऑन वेयरिंग जीन्स एंड टी शर्ट विद इन द स्टेट सेक्रेटरिएट? इसका सही आंसर है बिहार सरकार। बिहार सरकार ने राज्य सचिवालय के भीतर जीन्स और टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए आपको बिहार के बारे में बताते हैं। बिहार का कैपिटल है पटना। बिहार का गठन 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बिहार के बारे में और बात करें, बिहार के फर्स्ट सीएम कृष्णा सिंह जी हैं। बिहार के फर्स्ट गवर्नर जेम्स शिप्टन हैं। बिहार में लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो 40 तथा राज्यसभा सीट यहाँ पर 16 है। टोटल ज़िले यहाँ पर 38 हैं। बिहार में फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला गया था, जो कि हाल ही में खोला गया था। मैप में आपको दिखाते हैं बिहार को। ये देखिए, बिहार उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बिहार है। चलिए स्टेट सिंबल की बात करते हैं बिहार के। स्टेट ट्री यहाँ का पीपल है, स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड, स्टेट एनिमल ऑक्स, स्टेट बर्ड स्पैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोग ये वीडियो सुबह उठकर ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने का आप हैबिट बना लें, क्योंकि जो चीज़ आपको हैबिट बन जाती है वो आपको आगे बहुत ही काम आती है एग्ज़ाम में। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच के लिए विशेष सेल का गठन किया? विच स्टेट पुलिस सेटअप स्पेशल सेल टू प्रोब क्राइम अगेंस्ट वुमेन? इसका सही आंसर है उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच के लिए विशेष सेल का गठन किया है। चलिए आपको उड़ीसा के बारे में बताते हैं। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी हैं, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी हैं। उड़ीसा के प्रथम सीएम हरिकृष्णा महताब जी हैं। उड़ीसा के प्रथम गवर्नर सर जॉन ऑस्टन हब्बक हैं। उड़ीसा में लोकसभा सीट की बात करें तो 21, राज्यसभा सीट 10 तथा यहाँ पे टोटल ज़िले 30 हैं। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक, मतलब सबसे बड़ा नमक का झील, चिल्का है। अब स्टेट सिंबल की बात करें तो यहाँ का स्टेट सिंबल ट्री, स्टेट ट्री है पीपल, स्टेट फ्लावर है अशोका, स्टेट एनिमल है सांभर, स्टेट बर्ड इंडियन रोलर। क्लासिकल डांस की बात करें, यहाँ पे उड़ीसी क्लासिकल डांस है। अब आपको मैप में दिखाते हैं उड़ीसा है कहाँ। उड़ीसा देखिए यहाँ है नीचे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए विशेष टाइगर फोर्स बनाने के लिए किस सरकार ने दृढ़ संकल्प किया है? विच गवर्नमेंट हैज़ डिटरमाइंड टू मेक ए स्पेशल टाइगर फोर्स फॉर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए विशेष टाइगर फोर्स बनाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया है। चलिए आपको बताते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को
गठित होने वाला राज्य है। उत्तराखंड के वर्तमान सीएम श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के गवर्नर इस टाइम की श्रीमती बेबी रानी मौर्या जी हैं। उत्तराखंड के कैपिटल देहरादून, यहाँ के फर्स्ट सीएम नित्यानंद स्वामी जी थे। फर्स्ट गवर्नर एसएस बर्नल जी हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट की बात करें 5 है, राज्यसभा की सीट 3 है, टोटल ज़िले यहाँ पे 13 हैं। और बात करें उत्तराखंड के स्टेट सिंबल की, तो यहाँ का स्टेट ट्री है लाली गुरांस, स्टेट फ्लावर है ब्रह्मा कमल, स्टेट एनिमल है अल्पाइन मस्क डियर, स्टेट बर्ड हिमालयन मोनल है। यहाँ पे उत्तराखंड में एक फूलों की घाटी है जो कि बहुत ही फेमस है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आपको मैप में उत्तराखंड दिखाते हैं, ये देखिए उत्तर प्रदेश के ऊपर उत्तराखंड है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश रूस के साथ वैश्विक तेल मूल्य अस्थिरता के मुद्दे को उठाया है? विच कंट्री रेसेस द इशू ऑफ ग्लोबल ऑयल प्राइस वॉलाटिलिटी विथ रशिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंडिया। जी हाँ, इंडिया ने रूस के साथ वैश्विक तेल मूल्य अस्थिरता के मुद्दे को उठाया है। चलिए आपको हम रशिया के बारे में बताते हैं। रशिया का कैपिटल है मॉस्को। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी हैं, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। रशिया का करेंसी है रशियन रूबल। रशिया का नेशनल डे 12 जून को मनाया जाता है। रशिया में हाईएस्ट माउंटेन की बात करें माउंट एल्ब्रस। रशिया में लार्जेस्ट लेक बैकाल है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे रशिया में ही पाया जाता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट कंट्री है। रशिया हैज़ ओवर 8400 न्यूक्लियर वेपन्स। रशिया के पास नाभिकीय हथियार 8400 हैं। रशिया के नेशनल सिंबल के बारे में बात करें तो नेशनल गेम यहाँ का बैंडी है, नेशनल बर्ड ईगल, नेशनल फ्लावर कैमोमाइल, नेशनल एनिमल रशियन ब्राउन बियर है। रशिया के संसद का नाम है ड्यूमा। ये देखिए आप मैप, रशिया का मैप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रा नोटों की गिनती के लिए कौन सा बैंक रोबोट आर्म स्थापित किया है? विच बैंक इंस्टॉल रोबोटिक आर्म टू काउंट करेंसी नोट्स? इसका सही आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। जी हाँ, आईसीआईसीआई बैंक ने नोटों की गिनती के लिए बैंक रोबोट आर्म स्थापित किया है। अब आपको बताते हैं आईसीआईसीआई के बारे में। आईसीआईसीआई का हेड क्वार्टर मुंबई में है। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। आईसीआईसीआई बैंक का स्थापना जून 1994 में हुआ था। आईसीआईसीआई के सीईओ हैं इस टाइम के संदीप बख्शी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। आईसीआईसीआई के चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अब आपको कल के क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के प्रमुख कौन है? हु इज़ द हेड ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? आंसर है कुमार राजेश चंद्रा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के प्रमुख हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, वेयर इज रियो डी जेनेरियो लोकेटेड? रियो डी जेनेरियो कहाँ स्थित है, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पीके स्मार्ट स्टडी को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।